हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रशियन इकोनॉमी के बारे में। रशियन इकोनॉमी क्या है, क्यों पढ़ेंगे, चलो मैं समझाता हूँ। देखो, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने रशियन एम्पायर को समझा, हमने देखा कि अच्छा रशियन रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था। अब जो भी हुआ था तो उसके पीछे हमें बैकग्राउंड पढ़ना भी जरूरी है, एक बैकग्राउंड भी तो समझ में आना चाहिए कि अच्छा जो हुआ है तो क्यों हुआ है, क्लियर है। तो अब हम वही इस वीडियो के थ्रू पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको, हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी यूरोप में फैली तो उसके लिए एक ग्राउंड था यूरोप में। तो वैसे ही अगर रशिया में रशियन रेवोल्यूशन आता है विच वॉज बिंग ट्रिगर्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, तो रशिया में जो रेवोल्यूशन आएगा उसके लिए भी ग्राउंड देखना समझना हमें जरूरी होगा ना। वो ग्राउंड तो देखे जहां पर कल्टिवेट हुआ है आइडिया और उस आइडिया ने रेवोल्यूशन लाया है। अब ऐसा तो नहीं है कि रशियन रेवोल्यूशन लोग रात में बढ़िया सोए थे और सुबह उठे और उनका ऐसी इच्छा हुई है कि चलो रेवोल्यूशन लाते हैं और रेवोल्यूशन आ गया। उसके पीछे एक कारण रहा होगा, एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड रहा होगा। तो वो बैकग्राउंड आपको इन दो मतलब इन टॉपिक्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा, रशियन इकोनॉमी और रशियन सोसाइटी। तो जो आपको टॉपिक दिया है बुक में इकोनॉमी एंड सोसाइटी, हम उसे दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। इकोनॉमी इकोनॉमी एक वीडियो में पढ़ लेंगे, सोसाइटी सोसाइटी एक वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि एक्सप्लेन द कंडीशंस विच लेड टू द रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, एक्सप्लेन द सोसाइटल कंडीशंस विच लेड टू द रशियन रेवोल्यूशन, या फिर व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रशियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी विच लेड टू द रशियन रेवोल्यूशन। तो आपको यह ध्यान रहना है कि इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन ने रेवोल्यूशन लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। अब हम वही पढ़ेंगे, तो इकोनॉमी क्या थी और सोसाइटल कंडीशंस क्या थी, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इट वॉज मेनली एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। रशियन इकोनॉमी जो थी तो वो एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी थी। क्या क्या समझ में आया आपको इससे? इससे सिंपल सी चीज ये समझ में आती है कि रशिया में अधिकतर लोग किस सेक्टर में एंगेज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे हम देखें 85% पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड दिस प्रोपोर्शन वॉज मच मोर एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज मतलब क्या है कि अगर आप जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इन कंट्रीज को देखते हो तो नो डाउट यहाँ पे भी लोग क्या थे, यहाँ पे भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रपोर्शन था पॉपुलेशन का 30% से 40% तक लोग एंगेज थे। लेकिन वही आप रशिया में देखते हो तो रशिया में कितने लोग एंगेज हैं, 85% लोग एंगेज हैं। तो इस सेंस में क्या है, इस सेंस में एक बहुत बड़ा चंक जो है पॉपुलेशन का, एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन जो है पॉपुलेशन का, वो क्या कर रहा है, वो खेती बाड़ी से लगा हुआ है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो इस सेंस में क्या है कि अब जब इतने सारे लोग जुड़े हुए तो खूब प्रोड्यूस करेंगे। आज भी रशिया खूब प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फूड ग्रेन्स वगैरह जो है खूब प्रोड्यूस होता है। उसके लिए एक फैक्टर ये भी कि जमीन ज्यादा है, लेकिन उस समय पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक। उस समय पे आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनते नहीं थे कि उनके पास दूसरा ऑक्यूपेशन भी रहे, सारे लोग अधिकतर खेती करते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ कि रशियन पॉपुलेशन जो थी तो उसमें एक बड़ा प्रपोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज था, जिसके चलते क्या होता था, ये जो कल्टिवेटर्स थे जो खेती कर रहे थे, दे प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। अब जब इतने सारे लोग एंगेज हैं तो मार्केट के लिए भी खूब प्रोड्यूस करेंगे और अपनी पर्सनल नीड्स के लिए भी खूब प्रोड्यूस करेंगे, मतलब खूब खाएंगे पिएंगे वो खुद भी और दूसरे देशों को भी क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो इस सेंस में क्या हो रहा है, इस सेंस में रशियन इकोनॉमी जो है तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, कोर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर से उनके पास पैसा भी आता था और अधिकतर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज भी थे। अब देखो क्या है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप बोलोगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आ चुका था तो इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट रशिया पे तो रहा होगा। अब रशिया में ऐसा नहीं है कि वो गेहूं के ही कपड़े पहन लेंगे, गेहूं की ही माला पहन लेंगे सब कुछ, उन्हें दूसरे प्रोडक्ट्स भी चाहिए रहेंगे इंडस्ट्रीज में, मतलब उनके यहाँ इंडस्ट्रीज भी होना चाहिए जो उनको क्लोथ दे सके, उनके इंडस्ट्रीज भी होना चाहिए जो रेलवेज वगैरह का डेवलपमेंट हो सके, आयरन एंड स्टील, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज की जरूरत रहेगी। तो इंडस्ट्रीज का क्या सीन था, तो अगर देखते हैं इंडस्ट्रीज का सिनेरियो तो वो ऐसा था कि इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसे इंडस्ट्रीज को इस तरह से पॉकेट में से निकाल लिया जाता था, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन आर्ट ऑफ राइटिंग, एक लिखने का तरीका है बस, कि इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट। मतलब क्या है इसका कि इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट का मतलब ये नहीं समझना है कि इंडस्ट्रीज इस तरह से लोग पॉकेट में लेकर चलते थे, क्लियर है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स, मतलब इंडस्ट्रीज कम थी। कम थी मतलब कि कुछ ही एरियाज थे, जैसे पीटर्सबर्ग और मॉस्को, पीटर्सबर्ग और मॉस्को को समझते हैं हम कहाँ पे, ये तो ये देखिए ये है मॉस्को, क्लियर, और ये है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये एरियाज जो हैं ये लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज थे, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज पाई जाती थी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी भी नहीं रशिया में। अब यहाँ पे जब कुछ इंडस्ट्रीज पाई जाती थी और इसी के साथ साथ में क्या होता है, इसी के साथ साथ में दी मेजर इंडस्ट्रियल एरिया ये थे, ये दोनों मेजर इंडस्ट्रियल एरिया थे, बट मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्शन वॉज कैरिड बाय क्राफ्ट्समैन। अब क्राफ्ट्समैन कौन है,
क्राफ्टमैन मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे कह सकते हैं कि कारखाने होते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ पे छोटे लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो अधिकतर प्रोडक्शन इस तरह से होता था। जैसे अगर आप 10th क्लास में जाएंगे ना जब, तो आप और पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में, एक चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में भी यही थोड़ा सा कुछ इस तरह का सीन था कि जहाँ पे वीवर्स वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में, कब, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो वीविंग सेक्टर ज़्यादा मजबूत था, छोटे लेवल पे काम ज़्यादा होता था। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि मेजर इंडस्ट्रियल एरिया पीटरबर्ग, मॉस्को, ये थे नो डाउट, लेकिन अभी भी जो मेजर प्रोडक्शन हो रहा था तो इट वॉज बीइंग कैरीड आउट बाय क्राफ्टमैन, अपने अपने कारखानों में छोटे छोटे लेवल पे प्रोड्यूस करते थे और वो पूरी कंट्री के लिए प्रोड्यूस कर लिया करते थे। ठीक, फिर क्या होता है 1890s, देखो अब 1890s के साथ में क्या होता है, रेलवेज का एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, रेलवेज एक्सपेंडेड, ठीक है, कहाँ पे, रशिया में पढ़ रहे हैं ना, तो रशिया में रेलवेज एक्सपेंड होती है। अब रेलवेज के एक्सपेंशन के साथ में क्या होता है, रेलवेज के एक्सपेंशन के साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। अब देखो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट समझाता हूँ कि मतलब बाहर से दूसरे देशों से लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं गूगल है, एप्पल है, ठीक है, तो ये कंपनीज इंडिया की नहीं है, लेकिन ये इंडिया में आके अपने प्लांट सेटअप करेगी, तो ये क्या कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। अब ये इंडिया में क्यों आएगी, अगर इंडिया में सारी फैसिलिटीज मिलेगी, मार्केट मिलेगा, ठीक है, तो अब जब रशिया में क्या होने लगा, रेलवेज एक्सपेंड होने लगी, तो जो दूसरी इंडस्ट्रीज थी, जो दूसरे इंडस्ट्रियल ओनर्स थे, कह लो वो फ्रांस में, जर्मनी में, ठीक है, तो अलग अलग जगह जो दूसरे इंडस्ट्रियल ओनर्स थे, इन इंडस्ट्रियल ओनर्स को क्या दिखेगा, इन इंडस्ट्रियल ओनर्स को दिखेगा क्या, अब रशिया में रेलवेज हो गए हैं तो कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, वहां पे इंडस्ट्रीज लगाना ठीक रहेगा, मतलब घाटे का सौदा नहीं होगा। तो उस सेंस में क्या होता था कि जो रेलवेज का एक्सपेंशन स्टार्ट होता है 1890s के बाद में रशिया में, तो उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उसका सीधा इंपैक्ट किस पे रहेगा, इंडस्ट्रीज पे रहेगा, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी। तो जो अभी तक क्या था, इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट, मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पाई जाती थी, कम इंडस्ट्रीज पाई जाती थी, तो वो इंडस्ट्रीज का अब क्या होगा, एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। रेलवे के एक्सपेंशन के साथ में कैसे स्टार्ट होगा, आगे समझ में, रेलवे एक्सपेंडेड इसका मतलब क्या है कि अब लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी। अब जब इंडस्ट्रीज बढ़ना स्टार्ट होती है तो उससे उसका इंपैक्ट हम देखते हैं कि क्या होता है, समय के साथ में कोल प्रोडक्शन जो था इट डबल्ड, मतलब कि जब इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट होती है, रेलवेज बढ़ जाता है, तो उसके बाद में कोल प्रोडक्शन जो रशिया में था वो डबल हो गया सीधे सीधे, पहले 10 गुना प्रोड्यूस करते थे, अब कितना करेंगे, 20 गुना प्रोड्यूस करेंगे, तो कोल प्रोडक्शन डबल, ठीक है, और उसी के साथ साथ में आयरन और स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, चार गुना बढ़ गया, ठीक है, दो गुना और ये चार गुना बढ़ गया आयरन स्टील, क्यों, क्योंकि आयरन स्टील के रिजर्व भी पाए जाते थे वहां, बहुत सारा आयरन ओर पाया जाता है जिसको क्या करना था, सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना था, इंडस्ट्रीज आई, जम के एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, तो आयरन स्टील का प्रोडक्शन भी क्या हो गया, क्वाड्रपल, मतलब चार गुना बढ़ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पे। अब ये सारी चीजों के साथ साथ में क्या है, आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। अब क्या होता है, लेट अस सी समथिंग अबाउट दीज ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो इन ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं। क्या सोचा होगा आपने कि इंडस्ट्रीज बढ़ी है तो सब कुछ, इतना लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग फरारी में घूमना स्टार्ट कर देंगे, ये सारी चीजें होंगी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इंडस्ट्रीज बढ़ी, नो डाउट प्रॉस्पेरिटी आई होगी, इकोनॉमी बढ़ी होगी, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी रहे। क्या, वो मैं समझाता हूँ आपको। मोस्ट इंडस्ट्रीज वेर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब जो इंडस्ट्रीज लग रही थी तो कौन लगा रहा था इंडस्ट्रीज, वही वाली बात है, जिसके पास पैसा होगा वो इंडस्ट्री लगा लेगा, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर्स थे उन लोगों ने जगह जगह जाके अपनी इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिए। अब इंडस्ट्रियल ओनर्स ने इंडस्ट्रीज लगाई है तो इसलिए नहीं लगाई कि चैरिटी करेंगे, वो लोगों को बोल देंगे कि हाँ इंडस्ट्री लगाते हैं, हम कार प्रोड्यूस करते हैं, तुम कार अपने घर ले जाओ, जो प्रोड्यूस करेगा वो अपने घर ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हुई थी कोल, ठीक है, मतलब कोल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो जो आयरन स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ओनर्स थे, उनका एक ही मोटिव होता था, क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब इस चीज को जरा कनेक्ट करो पीछे से, कहां से कनेक्ट करोगे आप, कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी के साथ में। क्या बोला था कार्ल मार्क्स ने, कि जो इंडस्ट्रियल ओनर्स होते हैं, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, वहां पे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या आता है उनका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वॉज देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव, और उसके चलते क्या होता है, उसके चलते वो वर्कर से ज्यादा काम करवाते थे, ये सारी चीजें होती थी, वर्कर्स को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब आप सोचोगे कि क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, जैसे राजा था तो राजा कुछ बोलता नहीं था इस समय पे, ठीक है, तो वॉज देयर नॉट एनी रेगुलेशंस बाय गवर्नमेंट। जी हाँ, राजा ने सिस्टम बना के रखा था कि क्या होगा, सारा चेकअप होगा, सब कुछ होगा कि इंडस्ट्रीज जो आ रही है तो एक्सप्लॉइट ना करें वर्कर्स को, लेकिन गवर्नमेंट वर्क टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने काम किया कि
ये दिया जाए लोगों को, क्या मिनिमम वेजेस दी जाए कम से कम, और वर्क वर्किंग आवर्स जो रहे तो लिमिटेड वर्क आवर्स ऑफ वर्क रहे, ये सारी चीजें करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा, लेकिन क्या होता था, लेकिन ऑफन दिस रूल्स वर ब्रोकन, तो जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स वगैरह रहते थे तो वो इन रूल्स को टूटने से रोक नहीं सकते थे, ब्रीच होता था, ठीक है, रूल्स को तोड़ा जाता था, ज़्यादा लंबे समय तक काम करवाया जाता था, कम वेजेस दी जाती थी, सारी चीज़ें होती थी। अब जैसे आप ये कुछ फोटोग्राफ्स में देख सकते हो कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, महिलाएं भी होती थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पुरुष भी होते थे, महिलाएं भी होते थे, ये सारे लोग जब काम करते थे तो उसके चलते क्या था, उसके चलते इन लोगों को बहुत हार्डशिप का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आज की तरह नहीं कि आज आपको मल्टीनेशनल कंपनीज मिलेगी जो अपने एम्प्लॉयज का पूरा ध्यान रखती है, एकदम सारी चीज़ें फैसिलिटी देती है। यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव उस समय पे क्या था, उस समय पे तो पैसा कमाना, लोग सीखे ही थे, तो जो इंडस्ट्रियल ओनर्स होते थे, जो अपना पैसा लगाते थे, वो बस ये चाहते थे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करा जाए। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चलते में वो जो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट सेटअप करती थी, उन रेगुलेशन को भी क्या कर दिया करते थे, तोड़ दिया करते थे। आ गया समझ में यहाँ तक? फिर आगे देखते हैं हम, तो कैसे तोड़ते थे, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स अप टू 10 आवर्स, ठीक है, 16 आवर्स तक चले जाता था वो, ठीक, यहाँ पे लिखना भूल गए, 16 आवर्स 10 आवर्स, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे। आइडियली क्या देखते हैं हम, आज के समय में कितना आइडियल वर्किंग आवर होता है, लोग 8 घंटे काम करवाते हैं, लेकिन उस समय 16 घंटे, सीधे डबल 14 घंटे, 16 घंटे अगर काम करवाओगे आप किसी से, तो वो क्या होगा, वो एक तरीके से अगर हम समझें उस चीज़ को, तो वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स का, ठीक है। कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी के साथ रिलेट करते चलना सीधी चीजें, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिसके चलते वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है, जो वेलफेयरमेंट ऑफ वर्कर की बात होती है वो नहीं सोची जाती है यहाँ पे। वर्कर्स वेर अकोमोडेटेड इन रूम्स डॉर्मेटरीज एक्सेट्रा, ठीक है। अब इस चीज को समझो क्या है, कि ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देंगे, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। वर्कर्स को कैसे सफ़र करना पड़ता था, तो रूम्स तो बहुत कम मिलते थे, अधिकतर इस तरह से डॉर्मेटरीज वगैरह बना दी जाती थी, जहाँ सिर्फ सोने का वो रहता था कि एक वर्कर सो सकता है, एक एक करके ऐसे वर्कर्स सारे सो जाते थे, उठते थे, काम करते थे, तो इस तरह से उनकी लाइफ जो थी बहुत मिजरेबल थी। और वो इतना जो काम कर रहे थे, तो ऐसा भी नहीं कि काम करने से उन्हें ही फ़ायदा होना है, अल्टीमेटली प्रॉफिट किसके पास चले जाता था, अल्टीमेटली प्रॉफिट चले जाता था जो इंडस्ट्रियल ओनर्स होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि काम कर क्यों रहे थे सर, ठीक है, जब इनकी कंडीशन खराब थी फिर क्यों काम कर रहे थे, बिल्कुल स्वाभाविक है क्वेश्चन आना, लेकिन दूसरा कुछ ऑप्शन भी तो नहीं था उनके पास, दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब जीवन यापन करना है तो कम से कम खाने के लिए वो कहीं से खाना मिल रहा है बहुत है, ठीक है, और कुछ अगर काम नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा, वो पर्सपेक्टिव रहता था, ठीक है। अब उस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स इन प्री वॉर सेंट पीटर्सबर्ग मेनी सर्वाइव्ड बाय ईटिंग एट चैरिटेबल किचन्स एंड लिविंग इन पुअर हाउसेस, तो बहुत सारे लोग इस तरह से गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है, चैरिटेबल किचन्स जो चलते थे वहाँ खाना खाते थे, तो लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या थी, मिजरेबल थी। तो उसके बाद में वर्कर्स स्लीपिंग इन बंकर्स इन डॉर्मेटरी इन प्री रेवोल्यूशनरी रशिया, दे स्लेप्ट इन शिफ्ट्स एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज विद देम, तो ये जो वर्कर्स इंडस्ट्रीज में काम करने आते थे तो उनको शिफ्ट में सोना पड़ता था, मतलब 6 घंटे तुम सो लो, उठ के तुम काम पे लग जाना, दूसरे आएंगे वो सो जाएंगे, ऐसे शिफ्ट में सोना पड़ता था, फैमिलीज को अपने साथ नहीं रख सकते थे, छोटी जगह होती थी, लिमिटेड जगह होती थी, कोई फैसिलिटीज नहीं होती थी। आगे और हम बुरी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रशियन इकोनॉमी में नो डाउट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रीज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है अगर आप, लेकिन देखो कि इस इकोनॉमी में जो कंडीशन थी वर्कर्स की वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। तो इस सेंस में मैंने आपको इकोनॉमी वाला पार्ट बता दिया, अब हम क्या करेंगे, सोसाइटी को भी समझेंगे कि सोसाइटी का कंपोजिशन कैसा था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।